तो दोस्तों आप सभी स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आप सभी बता दें, रेलवे NTPC की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है और आप सभी के लिए लेकर हम आ चुके हैं एक सरप्राइज प्रैक्टिस सीरीज। जी हाँ दोस्तों, ये प्रैक्टिस सीरीज का सेट नंबर 1 होने वाला है, जिसमें आप सभी को NTPC और ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड जो पिछले बार का सिलेबस रहा था और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हीं पैटर्न पर आधारित चुने हुए 30 ऐसे क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों आप सभी बता दें, ये सीरीज आप सभी तब तक चलती रहेगी जब तक आप सभी के एग्ज़ाम नहीं संपूर्ण हो जाते। और ये सीरीज़ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आप सभी के लिए। जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, इस सीरीज़ को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बता दें, इस प्रैक्टिस सीरीज़ में आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको छाट कर आपको बताए जाएंगे, जिनका अगर आप अध्ययन करते हैं डीपली तो दोस्तों आप लोग ये समझिए 85+ दोस्तों आप लोग स्कोर आराम से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जितने भी व्यूवर्स जुड़ चुके हैं, अंत तक बने रहे, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। और उससे पहले जितने भी व्यूवर्स नए, नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है, उसको प्रेस करके बेल आइकन को जोड़ दवाएँ, ताकि आगे से कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए रेलवे NTPC और कोई भी एजुकेशनल मटेरियल आए आप सभी तक सबसे पहले पहुँच जाए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बता दें, ग्रुप डी एग्ज़ाम में पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। रसायनों का एक समूह जो कोश का विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करता है, आपके ऑप्शन है 4 साइटोकाइनेसिस, दूसरा है आपका जिबरलिंस और तीसरा है आपका डोमिंस और चौथा है आपका ऑक्सिन। तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है। तो आपको बता दें, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका साइटोकाइनेसिस। जो साइटोकाइनेसिस होता है, रसायनों का एक समूह होता है जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। हम यहाँ पर बता दें दोस्तों, ग्रुप डी और NTPC के जो प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है उसको और उसके पैटर्न पर आधारित जितने भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड बन सकते हैं पूरा लेकर आएँ। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, लास्ट तक बने रहिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और लेकिन जो क्वेश्चन है ऑथेंटिक है और इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों जो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से है कि फेफड़े के प्राथमिक अंग हैं, आपके ऑप्शन है पाचन, दूसरा है कब्ज, तीसरा है पसीना या चौथा है आपका श्वसन। तो इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो आपको बता दें दोस्तों, इसमें से जो राइट आंसर है आप सभी का चौथा ऑप्शन यानी कि जो श्वसन है, ये राइट आंसर है। आपको बता दें दोस्तों, फेफड़े जो होते हैं मनुष्य और कई अन्य जंतुओं में श्वसन का प्रमुख अंग है। श्वसन तंत्र में फेफड़ों का मुख्य कार्य वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त करना और इसे रक्त धारा में हस्तांतरित करना होता है, और गैस विनिमय की जो एक प्रक्रिया होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रक्त धारा में निकाल कर वायुमंडल में उत्सर्जित करना होता है, इसका मुख्य कार्य। अगला जो क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो खोज है वो किसने की थी, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। आपके 4 ऑप्शन है, आपका पहला है कार्ल सीले, दूसरा आपका हुक, तीसरा आपका हिजनबर्ग और चौथा है आपका विलियम्स। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन है आपका, इनमें से कौन सा, जितने भी क्वेश्चन आपको आते हो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो आपको बता दें, ऑक्सीजन की जो खोज है सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में की गई थी, और जो आपके स्वीडन के रसायनविद हैं कार्ल सीले, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कार्ल जो सीले हैं इन्होंने की थी। और अगर हम बात करें जितने भी जो खोजकर्ता हैं उनकी, दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को डेट भी पूछी जा सकती है। तो राइट ऑप्शन आपका पहला है यानी कि कार्ल सीले। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है, किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है। पहला आपका संयोजकता प्रोटॉन्स, दूसरा आपका कक्षीय प्रोटॉन्स, तीसरा आपका संयोजकता इलेक्ट्रॉन या चौथा है आपका संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। आपको बता दें दोस्तों यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन तीसरा यानी कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स। आपको बता दें परमाणु के बाहत्तम कक्षीय कोष को इसका जो है संयोजी कोष भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका 1 GB के बराबर कितने KB होता है, 1 GB के बराबर कितने KB होता है। और आपके ऑप्शन है पहला है 1024, दूसरा आपका 256 × 1024, और तीसरा आपका 1024 × 1024, और चौथा है आपका 1024 × 128। तो आपको बता दें इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका तीसरा यानी कि आपका जो गीगाबाइट होता है GB, इसको हम गीगाबाइट बोलते हैं। तो गीगाबाइट शब्द का जो समानता जो प्रयोग है वो 1024 के स्क्वायर से किया जाता है, 1024 स्क्वायर किलोबाइट्स के अर्थ में इसका जो यूज़ है वो किया जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, वह रानी जिसका उपनाम जो है वो ब्लडी मैरी था, वह रानी जिसका उपनाम
ब्लडी मैरी था, इनमें से आपको कौन सा लग रहा है कि ऑप्शन सही होगा? तो आपके ऑप्शन है, पहला है आपका एलिजाबेथ, दूसरा आपका विक्टोरिया, तीसरा आपका मैरी प्रथम, चौथा है आपका रूथ। तो इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कि इनमें से जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा है, जो जिस रानी का जो नाम है ब्लडी मैरी भी था। तो आपको बता दें इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका तीसरा, यानी कि आपका जो मैरी प्रथम है, इनके आपको बता दें, इनकी थोड़ा इनके बारे में थोड़ा बता दें आपको कि जो मैरी है एक जुलाई 1553 से नवंबर 1558 तक, 1 जुलाई 1553 से नवंबर 1558 तक की, यहाँ पे इंग्लैंड की आप, ये दोस्तों आपकी इंग्लैंड और आयरलैंड की आपकी रानी थी 1553 से लेकर 1558 तक की, मैरी जो प्रथम थी इंग्लैंड और आयरलैंड की रानी थी आपकी, इतने सन के बीच, यानी कि 1553 से 1572 के बीच में। और अगर हम सातवें क्वेश्चन की बात करें तो ये थोड़ा सा आपका अर्थव्यवस्था से आ जाता है। जब एक वस्तु का मूल्य जो बढ़कर 960 रुपये से 1000 रुपये हो जाता है, और यदि मांग की मात्रा 4600 से 4200 हो जाए तो मांग की चाप लोच का पता लगाएं। तो दोस्तों इसका एक अलग फार्मूला होता है। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों पहला आंसर इसका राइट हो जाएगा। इसका जो पूरा हल सॉल्यूशन है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में डाल दिया जाएगा, तो आप लोग सॉल्यूशन वहां से देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो दोस्तों इस प्रकार से कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन सबसे अधिक क्षेत्र है? तो आपको बता दें यहाँ पे जितने भी देख सकते हैं ऑप्शन, पहला है आपका राजस्थान, दूसरा है आपका उत्तर प्रदेश, तीसरा है आपका सिक्किम, चौथा है आपका पश्चिम बंगाल। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर है वो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें, जितने भी जो कैंडिडेट हैं, अगर आपको राइट आंसर आता है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में आराम से उसमें लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें से राइट आंसर बता दें पश्चिम बंगाल। जी हाँ दोस्तों, जो पश्चिम बंगाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक जो क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल में। अगला जो क्वेश्चन है, किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? आपके ऑप्शन है तेलंगाना, दूसरा है आपका मध्य प्रदेश, तीसरा है आपका असम और चौथा है आपका केरल। तो इनमें से कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। अगर हम सही आंसर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे तीसरा जो है, यानी कि ऑप्शन असम आपका, मानस टाइगर रिजर्व जो है वो असम में। आपको बता दें मानस बाघ आरक्षित क्षेत्र एक राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, यूनेस्को प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व हाथी आरक्षित क्षेत्र, और असम का जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है हिमालय की तलहटी में स्थित मानस बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है भूटान के रॉयल मानस जो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान के साथ संलग्न है। अगला जो क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार के हैं, रोल्ड एमंडसेन, और आपका दूसरा है रेनॉल्ड मेयर, तीसरा आपका रॉबर्ट पियरी, और चौथा है आपका मेजर यूरी गगरिन। तो आपका इसमें से राइट आंसर कौन सा है जो आपका अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? तो आपको बता दें ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ, यानी कि जो आपका यूरी गगरिन है, ये आपके 12 अप्रैल 1961 को पृथ्वी की परिक्रमा इन्होंने पूरी की थी। और यहाँ पे आपको बता दें उनके अंतरिक्ष यान का नाम जो था यान वोस्टोक था। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे चौथा है वो सही हो जाएगा, यूरी गगरिन थे। और आपका अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य हैं? तो ये क्वेश्चन आप सभी के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो धाराएं हैं वो हट चुकी हैं जम्मू कश्मीर से, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लेकिन अब जो स्टेट हैं वो कितने हो चुके हैं, तो 26 है, 29 है, 27 है, 28 है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप लोगों को भी थोड़ा सा नॉलेज चेक करना है, और यहाँ पे आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपको बता दें अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा देश गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा जो देश है गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक है? पहला है आपका ब्राज़ील, दूसरा है आपका यूनाइटेड स्टेट्स, और तीसरा आपका फ्रांस, और चौथा है आपका चीन। तो अगर आपको सही आंसर आता है तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे आपका चौथा आंसर, यानी कि जो चीन है वो सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है गेहूं का। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथा हो जाएगा, यानी कि चीन। अगला जो है क्वेश्चन, नूरजहाँ किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? नूरजहाँ जो थी, इनमें से किस मुगल साम्राज्य की सम्राट की जो पत्नी थी? आपको बता दें अकबर की थी, औरंगजेब की थी, या जहांगीर की, या शाहजहाँ की? तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो तीसरा, यानी कि शाहजहाँ की जो पत्नी थी नूरजहाँ थी। अगला जो क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया?
यहाँ दोस्तों तराइन का जो युद्ध है किस वर्ष लड़ा गया था, आपका पहला ऑप्शन है 1526 में, दूसरा है आपका 1757 में, और तीसरा आपका 1191 में, या चौथा है आपका 1857 में। तो आपको बता दें आपका जो राइट आंसर है इसमें से तीसरा, यानी कि तराइन का जो युद्ध है 1191 से लेकर 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। और प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी की जो सेना थी पृथ्वीराज चौहान की राजपूत सेना से हार गई थी, लेकिन दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने अपनी हार की जो है उसको बदल दिया था, उसको जीत में कन्वर्ट कर दिया था। आपको बता दें दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी जीता था। अगला जो क्वेश्चन है, वर्ष 1749 में तड़ित चालक का जो आविष्कार है इनमें से किसने किया था, आपका ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, दूसरा आपका निकोला टेस्ला ने, तीसरा आपका एली विटिन ने, और जॉर्ज वॉशिंगटन ने। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो इसमें से कौन सा है कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। आपको बता दें यहाँ पे जो 16 का राइट आंसर है वो है आपका पहला, यानी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सन 1749 में यहाँ पे 200 ये जो आविष्कार ये किया था, और इसे आपको बता दें 1753 में प्रकाशित किया गया था। और अगला जो क्वेश्चन है,